हनुमान जी के 12 नाम आनंद रामायण ग्रंथ में आते हैं। 12 नाम, हनुमान अंजनी सोनू वायु पुत्रो महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखह पिंगाक्षोमित विक्रम उदधी क्रमश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा। 12 नाम। पहला हनुमान जी। हनुमान जी इतने महान है, इतने महान है, क्या गाएं हम। जन्मे उसके, दूसरे दिन सेवा की तब इंद्र ने मारा, राहु का पक्ष लेकर हनुमान जी पर प्रहार किया, तब भी हनुमान जी ने सेवा नहीं छोड़ी। बड़े हुए, लंका में गए, इंद्रजीत ने मारा, फिर भी हनुमान जी ने सेवा नहीं छोड़ी कि मेरी सेवा मैं क्यों छोड़ दूं। ये उनकी सुंदर सीख है, कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा, अपनी साधना कभी न छोड़े। पहला। दूसरा, अंजनी सूत्र, अंजनी माँ के बेटे। इसकी भी कथा है कैसे कि माँ अंजना तप कर रही थी कि मुझे संतान अच्छी हो, कैलाश पर्वत पर जाकर माँ अंजना तप कर रही है। यहां दशरथ राजा वशिष्ठ जी के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ पुरुष खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए, आदेश दिया खीर का आधा भाग कौशल्या जी को और आधे में से आधा आधा सुमित्रा जी और कैकेयी जी को। सब तीनों रानियां खीर पीने को तैयार, खाने को। कैकेयी जी के हाथ में जो खीर का पात्र था वो एक पक्षी आकर ले गया। कैकेयी जी देखती रह गई। कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने अपनी खीर में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर कैकेयी जी को दिया और वो खीर का पात्र लेकर पक्षी कैलाश पर जहां मां अंजना तप कर रही है। तो खीर का पात्र मां अंजना जहां तप कर रही है, उस पक्षी ने लाकर खीर का पात्र मां अंजना को दे दिया। वहां जो अयोध्या में यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष खीर का पात्र लेकर प्रगटे, वो खीर मां अंजना को दी। शिवजी प्रगट हुए और कहा, मां ये खीर पी जाओ। बोले, मैं तो पुत्र पाने के लिए तप कर रहे हूं, खीर खाने के लिए नहीं। शिवजी ने कहा कि ये प्रसाद है मां, खा लो। मां अंजना कहती, मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए। शिवजी ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं तुम्हारे यहां पुत्र होकर आऊंगा। मां तू चिंता मत कर, ये प्रसाद खा ले। मां अंजना ने वो खीर खाई और समय पाकर फिर शिव जी के अंश से हनुमान जी मां अंजना के यहां उतार लेते हैं। तो वहां तो खीर का प्रसाद मिला है। गुरुदेव हमको ज्ञान का प्रसाद, भक्ति का प्रसाद दे रहे हैं, जिससे हमारे भीतर ऐसा प्रेम प्रगटे हनुमान जी जैसा। तीसरा, वायुपुत्र। चौथा नाम, वायुपुत्र यूं कह दो, हनुमान जी सीख देते हैं, वायु की तरह असंग बनो, पसार हो जाओ, चिपको कहीं भी नहीं, आसक्त कहीं भी मत हो, अनासक्त रहो, असंग रहो, ऐसा हनुमान जी ने आदेश किया है। मां हम भी वायुपुत्र बने, मतलब असंग बने। फूलों की वाड़ी पर से हवा गुजरती है तो वहां रुक नहीं जाती कि कितने अच्छे फूल हैं, सुगंध अच्छी आ रही, मैं रुक जाऊं, पसार हो जाओ। ऐसे हम भी कहीं आसक्त ना हो जाए, वायु की तरह असंग रहें। हनुमान जी का चौथा नाम है महाबल, महाबलवान। शरीर से कोई महाबलवान न भी बन पाए, पर आध्यात्मिक बल से हम सभी साधक, साधिकाएं, बहने, हम सभी महाबलवान हो सकते हैं। आध्यात्मिक बल से, आध्यात्मिक धन से संपन्न हो सकते हैं। रोज थोड़ी देर अकेले में बैठा करें, उससे आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। चुप बैठा करें, निर्विचार, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। पांचवा नाम है रामेष्ट, हनुमान जी का। रामेष्ट मतलब राम जी के अत्यंत प्रिय। ऐसा जीवन जिया जा सकता है कि शिष्य सदगुरु का अत्यंत प्रिय हो जाए,
भगवान का प्रिय हो जाए। और गीता में लिखा है भगवान का प्रिय कौन हो सकता है, 12वां अध्याय पढ़ के देखना शांति से, तो पता चल जाएगा कि क्या कैसे ईश्वर और गुरु का प्यारा बना जा सकता है। अभी भी कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप सब साधक हैं तभी तो शांति से घंटों पर बैठ पाते, नहीं तो कौन बैठे। दोपहर को दर्शन कर लिए चले जाते और बैठे हैं। रामेष्ट छठा नाम है हनुमान जी का, फाल्गुन सखा मतलब अर्जुन के मित्र। अर्जुन भी ऐसे भाग्यशाली थे कि भगवान कृष्ण का भी साथ मिला और हनुमान जी का भी साथ मिला। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी भी उसकी ध्वजा में आकर बैठ गए थे सूक्ष्म रूप में और रक्षा कर रहे थे। तो फाल्गुन सखा अर्जुन के मित्र। 7वां नाम है पिंगाक्ष, भूरे नेत्र वाले। यूं कहो कि ना समझ को जैसा जगत दिखता है और सत्य बुद्धि करके फंस मरता है, ऐसी दृष्टि ना हो। हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हमारी दृष्टि में से द्वैत विदा ले जाए, उसकी जगह अद्वैत रह जाए। दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, ऐसा भगवान को बसाया हर श्वास में। मंदिर में मूर्ति में जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे प्राणों में गुरु मंत्र की प्रतिष्ठा हो जाए। जब भी शांत बैठे, जब करना ना पड़े, जब सुनाई दे के भीतर चल रहा है। 8वां नाम है हनुमान जी का अमित विक्रम, ऐसा कुशलता से कार्य वीरता से करते हैं कि उसमें कोई अधूरापन कोई कमी नहीं छोड़ते, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका से लौट रहे थे आग लगाकर, तो उस समय आते आते भी ऐसी गर्जना की कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए, मानो बुराई का बीज खत्म हो जाए। हनुमान जी ने संकेत किया है बुराई बीज रूप में भी न रहे, बीज समेत बुराई नष्ट हो, संकेत है। हनुमान जी की हर चेष्टा साधकों को पक्का गुरु भक्त होने की प्रेरणा देने वाली है, क्योंकि जो गुरु में भक्ति रखता होगा वही गुरु के ज्ञान में अपनी स्थिति कर पाएगा। जिसकी गुरु में भक्ति नहीं, वो गुरु के आत्मज्ञान में स्थिति क्या कर पाएगा। कार्य को कुशलता से संपन्न करने वाला हो, कमजोर मन वाला नहीं हो, आत्मबल मजबूत हो, अमित विक्रम, खूब उत्साही पुरुषार्थी हो। 9वां नाम है उदधिक्रमण, समुद्र को पार करने वाले। कितना बड़ा सागर एक छलांग में पार कर लिया, कैसे किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हम भी गुरु मंत्र मुख में रखें। शिव जी ने कहा है गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके हर कारज सिद्ध होते हैं, सजगता पूर्वक करता है। ऐसा नहीं कि ना समझी। सेठ ने कहा नौकर को, हे रामू बगीचे में पानी दे दे पौधों को, जा जल्दी कर। रामू बोला साहब बरसात हो रही है। बोले कोई बात नहीं, छतरी लेके जा पर पानी दे के आ। तू क्या बोल रहा है प्यारे, बरसात हो रही है और फिर बोलता जा छतरी लेकर जा पर बगीचे में पानी दे कर आ। पानी बरस ही तो रहा है बगीचे में। ना समझी बड़ी गहरी है। तो उदधिक्रमण हनुमान जी का नाम, समुद्र पार कर जाते हैं एक छलांग में, क्योंकि प्रभु मुद्रिका मुख में भगवान का नाम गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति, वो भी समस्याओं का सागर पार कर जाएगा। कर्जा है, दुकान नहीं चलती, सब बढ़िया होने लगेगा। दृढ़ बने, जो नियम बताए वो करें। मुंबई में एक साधक मिले, 70 लाख कर्जा था, बोले मेरा उतर गया। अभी इस बार कार्यक्रम था जो 9, 10 और 11 अप्रैल, तो उसने मुझे बताया सत्संग में जो नियम सुने वो करता था बस, और पुरुषार्थ करता था। तो उदधिक्रमण हनुमान जी का 10वां नाम है सीता शोक विनाशन, पुराणों में नाम है। सीता जी का शोक दूर कर दिया। कैसे किया? कि भगवान की प्रभुता दिल में धारण करो,
शोक दूर हो जाता है। शिष्य अपने गुरु की महिमा, गुरु के प्रभाव को ध्यान में रखे तो उसके जीवन में शोक टिकेगा नहीं। अपने गुरु को साधारण समझे और गुरु का प्रभाव न जान पाए और स्वभाव न जान पाए तो दुखी रहेगा, अपने को कमजोर और बेसहारा मानेगा। ग्यारहवां नाम लक्ष्मण प्राणदाता, मतलब वैराग्य को सजाग रखने वाले। हमारे जीवन में भी है हनुमान जी, लक्ष्मण सजाग रहे मतलब वैराग्य जागृत रहे, वैराग्य सुप्त न हो जागृत हो, ताकि ज्ञान में हमारी स्थिति हो। बारहवां नाम है दशग्रीव दर्पहा, रावण के अभिमान को चूर चूर करने वाले। हमारे जीवन में भी हम ऐसे साधक हों कि मोह रूपी रावण को चूर चूर कर दें, नष्ट कर दें।